तो हम आ गए हैं क्राउन प्लाजा रोहिणी एंड मैं आपको दिखाती हूँ उनके ब्रेकफास्ट बफे में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये सीरियल्स वाला सेक्शन है जहाँ पे आपको चौकोज, म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स विद हॉट मिल्क प्रोवाइड करा जाएगा। एंड यहीं पे फ्रेश फ्रूट्स का भी सेक्शन था, ज़्यादा कुछ नहीं था फ्रूट्स में, बट ठीक है, मतलब जिनको फ्रूट्स ही खाने हैं, पपाया, वाटरमेलन, उनको ये सब मिल जाएगा। उसके बाद ये है कोल्ड कार्ट्स, यानी कि आपकी सलामी वगैरह जो आपको चाहिए हो वो मिल जाएगी। चार तरह की आपकी सलामी वगैरह रखी थी। एंड एक छोटा सा, काफ़ी छोटा मेक योर ओन सैलड काउंटर था जहाँ पर सिर्फ पांच ही चीज़ें रखी थी और दो ही तरह की ड्रेसिंग रखी हुई थी। ये मुझे काफ़ी ओकेश लगा। उसके बाद हमारा साउथ इंडियन आता है, ये है सांबर एंड इडली। ये क्या था मुझे पता नहीं, डोसा जैसा कुछ रखा हुआ था, बट डोसा नहीं था, डोसा दूसरे काउंटर पे बन रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ये कोई वाइट कलर का स्टू था, अब ये क्या है ये मुझे नहीं पता। देन लाइव काउंटर्स में डोसा, उत्तपम, पैनकेक, वॉफल, ये सब मिल रहा था। यहाँ पे आलू और पनीर के पराठे थे जो कि लाइव आपके आके ये लोग बना रहे थे। डोसा वॉज दी ओनली डिसेंट थिंग जो मुझे पूरे बफे में लगी, बींग वेरी ऑनेस्ट टेस्ट वाइज। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो डोसा ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सारी तरह की चटनियाँ वगैरह यहाँ पे सब अवेलेबल था। उसके बाद ये है आलू पूरी जिसका टेस्ट मुझे काफ़ी ओकेश लगा। पैनकेक और वॉफल में ना ये लोग हर्शीज़ का सिरप यूज़ कर रहे थे, चॉकलेट सिरप जो होता है थिक वाला, उसके बजाय। तो अगर फाइव स्टार्स हर्शीज़ यूज़ करते ना तो मुझे काफ़ी चीप सा लगता है, बींग वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगे। उसके बाद यहाँ रखे थे छोटे वाले आलू समोसा, बेक्ड पोटैटोज़, ये मैं हमेशा, मतलब मैं कहीं भी बफे में जा रही हूँ तो मैं बेक्ड पोटैटोज़ ज़रूर उठाती हूँ। एंड ये है हमारे स्टीम्ड वेजिटेबल्स, ये भी मैंने काफ़ी आज खाए, इसमें सॉल्ट और पेपर डाल के खा सकते हो, अच्छा लगता है। देन देयर वाज वेजिटेबल मैगी जो कि टेस्ट में काफ़ी डिसेंट थी। फॉर नॉन वेजिटेरियंस यहाँ पे एग्स अवेलेबल थे, सॉसेजेस अवेलेबल थी, एंड आई एम नॉट श्योर कि नेक्स्ट आइटम बेकन है या नहीं, बट मुझे तो देखने में बेकन ही लग रहा है, डू करेक्ट मी अगर ये बेकन नहीं है तो। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड काउंटर की तरफ। इस काउंटर पे से मुझे, बींग वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी टेस्ट वाइज अच्छा नहीं लगा, तो दिस इज़ पोहा। उसके बाद हमारा उपमा था इसमें, अब उपमा ग्रीन कलर का क्यों था मुझे नहीं पता, बट ये ग्रीन कलर का उपमा था। दिस इज वेजिटेबल खिचड़ी, मीठे में था यहाँ पे गुलाब जामुन विच वॉज प्रिटी डिसेंट। उसके बाद है यहाँ पे हमारा मीठा वाला दलिया, जिसको भी पॉरेज का शौक हो वो दे कैन ट्राई। एंड दिस वॉज मटर पनीर, आप इसके साथ प्लेन पराठे सिखवा सकते हो, एंड यू कैन टेक दिस फॉर योर ब्रेकफस्ट। बेवरेजेस में यहाँ पे छाछ थी, बनाना स्मूदी, लस्सी एंड टी कॉफी, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन टेक एन ऑर्डर। Then you can have watermelon juice, मौसमी का जूस, चॉकलेट शेक एंड ब्रेड्स वाला काउंटर। ये जनरली मेरा फेवरेट काउंटर होता है बेकरी का,
बट मुझे यहाँ पे बेकरी के आइटम्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। यहाँ पे ग्लूटन फ्री ब्रेड अवेलेबल थी अगर आप लोग ग्लूटन अवॉइड करते हो तो, बट अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे कुछ भी वाओ नहीं लगा। कोई भी ब्रेड्स ऐसे नहीं थे कि मैं बोलूँ खाकर मज़ा आ गया।